हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो स्टैक क्रिएशंस पर। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जोडिक्स यानी कि राशियां। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो हमारे पास जो जोडिक्स होते हैं, जो राशियाँ होती है, वो 12 होती है यानी कि 12 होती है। ठीक है, अब वो 12 राशियाँ कौन कौन सी होती है, उनके साइन किस तरह के होते हैं, ठीक है, उन सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास 12 राशियां होती है, 12 जोडिक्स होते हैं, उन सभी के अलग अलग साइंस होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है एरीज। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है एरीज, जिसको हिंदी में हम लोग मेष राशि कहते हैं, मेष। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास एरीज, जिसको हम मेष राशि कहते हैं, और इसका जो साइन होता है उसको हम यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट जो राशि है वो है एरीज, जिसको हम मेष राशि कहते हैं। दूसरी हमारे पास है जैमिनी। ठीक है, जैमिनी, जिसको हिंदी में हम लोग मिथुन राशि कहते हैं। ठीक है, मिथुन राशि कहते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास एरीज, जिसको हम मेष राशि कहते हैं, और दूसरे पे हमारे पास थी जैमिनी, जिसको हम मिथुन राशि कहते हैं। तो जो मिथुन राशि है उसका जो साइन है उसको आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो जो मिथुन राशि है उसका जो साइन है, जो चिन्ह है, वो इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लियो। ठीक है, लियो यानी कि सिंह राशि या सिंह राशि। ठीक है, थर्ड हमारे पास है लियो, जिसको हिंदी में हम लोग सिंह या सिंह राशि कहते हैं। ठीक है, इसका जो लोगो है वो नाम से पता लग रहा है कि शेर का लोगो होगा, लायन का लोगो होगा। ठीक है, ओके, तो लियो का लोगो आप यहां पे देख पा रहे हो। ओके, फोर्थ हमारे पास है लिब्रा। ठीक है, फोर्थ हमारे पास है लिब्रा, जिसे हम लोग तुला राशि कहते हैं। ठीक है, ओके, तुला राशि कहते हैं। इसका जो साइन है उसको आप यहां पे देख पा रहे हो, इसका साइन किस तरह दिखता है, एक वेइंग मशीन की तरह। ठीक है, ओके, तो फोर्थ पे हमारे पास है लिब्रा राशि। ठीक है, लिब्रा जोड़ी, जिसे हम तुला राशि कहते हैं। फिफ्थ हमारे पास है सेजिटेरियस, सेजिटेरियस, जिसको हम लोग हिंदी में धनु राशि कहते हैं। ओके, फिफ्थ पे हमारे पास है सेजिटेरियस, जिसे हम धनु राशि कहते हैं। धनु राशि का जो साइन है उसको आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो अभी तक हमने पांच जो राशियां थी, जो जोड़ी के, उनको डिस्कस किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्वेरियस, एक्वेरियस, जिसको हिंदी में हम कुंभ राशि कहते हैं। ठीक है, एक्वेरियस, जिसे हम कुंभ राशि कहते हैं। ओके, जो कुंभ राशि है उसका जो साइन है उसको आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसका जो साइन है वो किस प्रकार दिखाई देता है। ठीक है, इसका जो लोगो है वो किस तरह का दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है टॉरस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टॉरस, जिसे हिंदी में हम लोग वृष राशि कहते हैं, वृष राशि कहते हैं। ठीक है, वृष जो राशि है उसका जो साइन है उसको आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसका जो साइन है वो किस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास सातवें नंबर पे आते हैं, या ये सातवीं हमारी राशि होती है। ठीक है, अगली जो राशि है हमारे पास वो है क्रैब या कैंसर। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कर्क भी कहते हैं। ओके, तो मैंने कैंसर की जगह यहाँ पे क्रैब लिखा हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे कैंसर भी आ सकता है, CANCER। ठीक है, इसका जो लोगो है उसको आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसका लोगो किस तरह से दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है वर्गो। वर्गो, जिसको हम लोग हिंदी में कन्या राशि कहते हैं। ठीक है, अब कन्या सभी को पता है, कन्या किसको कहते हैं। ठीक है, तो जो वर्गो है उसको हम लोग हिंदी में कन्या राशि कहते हैं। इसका जो साइन है उसको आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्कॉर्पियो। ठीक है, नेक्स्ट है स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो राशि है। ठीक है, यहाँ पे हम गाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, हम राशि की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम हिंदी में वृश्चिक कहते हैं, वृश्चिक कहते हैं। जो स्कॉर्पियो है उसका जो साइन है उसको आप यहाँ पे देख पा रहे हो, उसका जो लोगो है वो किस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है कैप्रिकॉन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कैप्रिकॉन, जिसको हम लोग हिंदी में मकर राशि कहते हैं। ठीक है, अब मकर सभी को पता है कि क्या होता है। ओके, इसका जो लोगो है उसको आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है,
और लास्ट हमारे पास है पाइसीज, ठीक है, लास्ट हमारे पास है पाइसीज, जिसे हम लोग हिंदी में मीन राशि कहते हैं, ठीक है, जिसे हिंदी में हम लोग मीन राशि कहते हैं। तो ये थी हमारे पास 12 राशियां, ठीक है, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एरीज, जिसे हम मेष राशि कहते हैं, उसके बाद है जैमिनी, जिसको हम लोग मिथुन राशि कहते हैं, उसके बाद है लियो, जिसे हम सिंह राशि या सिंह राशि कहते हैं, अगला है लिब्रा, जिसे हम लोग तुला राशि कहते हैं, उसके बाद है सेजिटेरियस, जिसे हम धनु राशि कहते हैं, उसके बाद है एक्वेरियस, जिसे हम कुंभ राशि कहते हैं, उसके बाद है टॉरस, जिसे हम वृष राशि कहते हैं, उसके बाद है क्रैब, जिसे हम कर्क राशि कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था वर्गो, जिसे हम लोग कन्या राशि कहते हैं, उसके बाद था स्कॉर्पियो, जिसे हम वृश्चिक राशि कहते हैं। 11 नंबर पे था हमारे पास कैप्रिकॉन, जिसे हम लोग मकर राशि कहते हैं, और लास्ट हमारे पास पाइसिस, जिसे हम मीन राशि कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो यूजफुल लगी होगी और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ओके। तो सबसे पहले वीडियो को पूरा देखने की ट्राई करना, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे।